हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं आया हूँ डीसी स्टूडियो में कार का फोम वॉश कराने के लिए। ये शॉप पुणे में लोकेटेड है, तो चलो देखते हैं कार का वॉश किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे फोम वॉश करा रहा हूँ। इस शॉप पे आपको कार का रिलेटेड हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। कार का टेफ्लॉन कोटिंग से लेके, कार वैप से लेके, कार क्लीनिंग से लेके, एक्सेसरीज के डिटेल्स के बारे में हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अगर पुणे के नज़दीक से हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं इस शॉप्स का पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलो देखते XL6 कार का वॉश का तरीका क्या है। वैसे तो कार पूरी मिट्टी से भरी है, ऑलरेडी मैं एक ट्रिप से आया हूँ, तो कार को वॉश कराना बहुत ज़रूरी था। तो देखते कार वॉश यहाँ पे किस तरीके से होता है। मोस्टली कार पूरा अंडर बॉडी सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस तो मुझे यही देखने मिला कि अंडर बॉडी कार का पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर रहे लोग। आप देख सकते हो पूरा लाल मिट्टी पूरा उन्होंने अच्छे से क्लीन किया है। वाटर स्प्रे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं कार का फोम वॉश करा रहा हूँ। मैं तो इसके पहले तो सिर्फ नॉर्मल रेगुलर वॉश ही कराता था। तो फोम वॉश और रेगुलर वॉश में क्या डिफरेंस है मुझे इसके फोम वॉश होने के बाद पता चलेगा। तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है, तो आप भी वीडियो देखते रहिए। तो ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी को अच्छे से इन्होंने वाटर से वॉश कर दिया है। तो इसके बाद का प्रोसेस अभी शायद से फोम वॉश से ये क्लीन करने वाले, तो देखते हैं फोम वॉश कैसे यूज़ होता है। जितना फोम वॉश के बारे में मुझे पता है, इससे छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली अच्छे से निकल जाते हैं। जो वाटर से भी नहीं निकलते वो फोम वॉश से अच्छे से क्लीन हो जाते। तो आइए देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। क्लासिक इंटरप्राइजेस डीसी स्टूडियो, ये पुणे में, तो अब तक तो इनका सर्विस बहुत मुझे बहुत अच्छा ही लगा। तो देखते आगे, आपको भी अगर यहाँ आना हो तो मोस्ट वेलकम है आप सबको।
गाड़ी में ऑलमोस्ट सब जगह पे फोम लगा के हो गया। अभी ये माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ से या जैसे कार को स्क्रब कर रहे, ताकि थोड़ा भी डस्ट अगर छोटे छोटे गैप्स में हो तो वो भी निकल जाएगी। यहाँ पे हर एक चीज़ का छोटे छोटे जगह के पार्ट्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। जैसे फोम का यूज होने के बाद अब इसको वाटर से फोम निकालने की बारी आई, तो अच्छे से क्लीन तो हो गई गाड़ी। बहुत सारा डस्ट, बहुत सारा गंदा निकला गाड़ी से, पूरा मट्टी मट्टी से भरी थी गाड़ी। अभी वाटर से, वाटर स्प्रे से पूरा जितने भी फोम है पूरा निकाल रहे।
जैसे पानी को वॉश होने के बाद या भी माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ से फिर से इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों भी अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, तो इनका टीम वर्क तो बहुत सही है। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट अंदर से भी पूरी क्लीन और बाहर से भी पूरी क्लीन ही दिख रही, जैसे शोरूम से नया गाड़ी लेके आया था उसी तरीके से इन्होंने चमका के दे दी गाड़ी, तो मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। तो आपको अभी अगर आपकी गाड़ी का अच्छे से ख्याल रखना है तो ज़रूर विज़िट करना, और गाड़ी का अच्छे से वॉश करके टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस सर्विस से। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।